नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों गदर 3 के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में आज का वीडियो है। गदर 2 की जिस प्रकार से ब्लॉकबस्टर सफलता हुई है दोस्तों, जिस प्रकार से गदर 2 इतनी बड़ी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई, पठान का रिकॉर्ड तोड़ा कम स्क्रीन्स के बावजूद, नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद, तो बड़ी बात थी। और अभी गदर 3 को बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके हैं, अवार्ड जीत चुके हैं। अभी एक वीडियो मैंने बना के दिया आपको कि किस प्रकार से द गेम चेंजर मूवी का आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ फिल्म को। तो फिल्म फेयर में तो नहीं दिया उनको, खैर फिल्म फेयर में तो आप जानते हैं कि किस तरह की बातें होती है, किस तरह से अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन गदर 3 के बारे में दोस्तों उत्सुकता लोगों की लगातार बढ़ी हुई है, और अनिल शर्मा तथा सनी देओल सर दोनों ही कन्फर्म कर चुके हैं कि गदर 3 बनने वाली है। तो इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो दोस्तों ये है कि ये फिल्म जो गदर एक प्रेम कथा थी वो 1947 के एरा में सेट थी, आजादी के टाइम की सेट थी, और ये जो गदर 2 थी वो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पे सेट थी। तो अभी ये जो अगली फिल्म है वो 1980 से 1999 के बिटवीन सेट होने वाली है। एक तो 1999 में शायद कारगिल वार हुआ था उस पर बेस्ड हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही है, या फिर 1980 से 1990 के बीच की कोई घटनाओं को लेकर के ये फिल्म बनाई जाएगी, ये खबर आई है। और विश्वसनीय सूत्रों से आई है कि स्क्रिप्ट लगभग कंप्लीट कर ली गई है, और स्टारकास्ट वही रहेगी, सनी देओल सर है, उत्कर्ष शर्मा है, और इसके अलावा जो सिमरत कौर है, और जो तो अमीषा पटेल है, ये रहने वाले। विलेन अलग आएगा, एक नया विलेन आएगा ये डेफिनेटली, वो विलेन कौन होगा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन इसकी जो शूटिंग है वो 2025 में शुरू हो पाएगी, इस साल फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाएगा और फिल्म की स्टार्टिंग 2025 में होगी। तो 2025 में ये फिल्म रिलीज शायद नहीं हो, पहले उम्मीद कर रहे थे कि 2025 को 15 अगस्त को ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहाँ पे गदर 2 की एंड हुई थी। गदर 2 में जहाँ जिस प्रकार से उत्कर्ष शर्मा, सनी देओल सर पाकिस्तान से वापस लौटेंगे, उसके बाद में ये कहानी आगे बढ़ेगी, अब की दिशा में बढ़ती है। कारगिल वार को लेकर के बनाते हैं या फिर बाद में कोई पहले की इंसिडेंट लेकर के बनाते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान इसमें भी होगा, और जबरदस्त एक स्क्रिप्ट इसकी भी तैयार हो गई है। तो ज़्यादा कुछ उम्र में फर्क देखने को नहीं मिलेगा, सनी देओल सर उसी एज में लगभग दिखाए जाएंगे, यंग एज में उनको नहीं दिखाया जाएगा, और उत्कर्ष शर्मा भी लगभग उसी एज में आने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट का काम हो गया है लगभग कंप्लीट, और अनिल शर्मा जर्नी फिल्म कंप्लीट कर रहे हैं, इस समय शूटिंग कर रहे हैं नैनीताल में, वो कंप्लीट होने के बाद में वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे गदर 3 की। तो एक बहुत बड़ी फिल्म होगी और बहुत बड़े लेवल पर बनाया जाएगा इसको, अब की बार बहुत अच्छे बजट में बनाया जाएगा अब की बार, तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त फिल्म देखने के लिए। अब कभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है इसकी जानकारी आपको तुरंत मैं दे दूंगा जैसे मेरे पास अपडेट आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलना।